नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेद आचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल जो बहुत ही ज्यादा समस्या पुरुषों में पैदा हो रही है ना, वो क्या है? शीघ्र पतन का होना, यानी कि टाइमिंग कम होना इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इंटरकोर्स में टाइमिंग की कमी होना। कई पेशेंट्स तो जो है उनकी टाइमिंग जो है एक मिनट भी नहीं होती, कई पेशेंट्स की टाइमिंग इतनी भी नहीं होती, योनि टच करने पर ही वीर्य निकल जाता है। कई पेशेंट्स की टाइमिंग बहुत कम होती है, तो कई पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ढीलेपन की समस्या होती है, कई पेशेंट्स को धात गिरती रहती है, कई पेशेंट को नाइट फॉल की समस्या होती है, तो कई पेशेंट में उत्साह स्फूर्ति चुस्ती फुर्ती नहीं होती। ऐसे पेशेंट यूज करने लगते हैं विगोरा व्याग्रा, ऐसी चीजें जो उनकी जिंदगी खराब कर देती है, सिल्डेनाफिल वगैरह, उससे उनके शरीर में ताकत की कमी आने लगती है। दिन ब दिन उनके शरीर में बेहोशी, चक्कर, ये सारी चीजें आने लगती हैं, क्योंकि बहुत ही खराब स्टेरॉइड्स हैं ये शरीर पर बहुत खराब प्रभाव डालते हैं, किडनी फेल्योर का कारण बन सकते हैं, और इनका प्रयोग किए बगैर उनमें समर्थता रहती ही नहीं है सेक्स करने की। सो दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा है इनके बराबर, ये सिल्डेनाफिल और ये व्याग्रा बेगौरा कि जैसे तुरंत तो ऐसे लाभ नहीं आपको दिलाएगी, तुरंत लाभ दिलाए और उसके दूसरे दिन आप फिर से उसी स्थिति में आ जाएं जैसे आप पहले कमजोर थे, वैसा नहीं करेगी, पर आपको स्थायी रूप से पूर्णतः आपके टाइम को बढ़ाएगी। सबसे ज्यादा प्रभावी ये दवा है टाइमिंग बढ़ाने में। आपकी टाइमिंग 10 से 15 मिनट एक महीने के अंदर ही बढ़ जाती है मिनिमम। जिनकी टाइमिंग्स बिल्कुल नहीं है वो 5 मिनट तक आ जाते हैं एक महीने में, और बहुत लंबे समय से यदि परेशान है तो उनकी टाइमिंग्स जो है 5-6 महीने में 10 से 15% 20% बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा आराम इससे मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर टैप कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, और कमेंट जरूर करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो जरूर मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझसे किसी भी रोग की दवा बुलवाने के लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सारी समस्या लिखकर एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं, 500 रूपये प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके अपने बजट के अंदर पर्चा लिखवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो की। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, जो जो चीजें मैं आपसे बोल रहा हूँ वो जरूर करने का प्रयत्न करिएगा। सबसे पहले मैं आपको परहेज बता दूं, ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा खटाई की चीजें, ज्यादा तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी आपको कम खाना है या नहीं खाना। मिर्च मसाला तो खाना ही पड़ेगा तो कम खाएं, पर मटर, सेमी, भिंडी, बाहर का खाना, नाश्ता, जंक फूड, समोसा, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें बंद करो, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करो, और साथ में तेल की चीजें ज्यादा बंद कर दीजिए, दही वगैरह ज्यादा खाना बंद कर दीजिए, जो दही प्रोसेस्ड दही होता है ना, दही का रायता, ये सब चीजें बंद कर दीजिए। उसके अलावा दिन में कम से कम आधे से एक घंटे आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, चाहे आप योग करो, चाहे आप प्राणायाम करो, चाहे आप ध्यान करो, चाहे आप दंड बैठक करो, चाहे आप जिम जाओ, पर आपके शरीर में पसीना आना चाहिए। आधे से एक घंटे आप एक्सरसाइज जरूर करेंगे, यदि आपके शरीर में और ताकत है तो आप 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज भी कर सकते हो, दौड़ भी लगाइए, ठीक है। इससे ये होगा कि शरीर में खून की चाल ठीक होगी और आपका शरीर दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा और आपका रोग अपने आप ही 20 से 25-30% तक कम हो जाएगा। और अनुलोम विलोम जरूर करें, दंड बैठक जरूर करें, ये जरूर करें। तो और खाने के तुरंत बाद केवल 1 घूंट पानी पीना है, खाने के 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी पीजिए, खाने के तुरंत बाद 100 से 500 कदम टहलिए, और गंदा साहित्य, गंदा सिनेमा आपको नहीं देखना। ये दवा स्टार्ट, जो दवा मैं बताने जा रहा हूँ, ये दवा स्टार्ट करने के बाद आपको 1 महीने तक तो पूर्ण संयम रखना है, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, ठीक। 1 महीने के बाद आप 15-15 दिन पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, और
जब आराम मिलने लगे, आराम बहुत आने लगे, तो तब 7-7 दिन, ठीक है, पर एक महीने तक बिल्कुल नहीं, दूसरे महीने 15-15 दिन, पर उसके आगे अपने मन के अनुसार 7-7 दिन पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप ध्यानपूर्वक देखें, मेरे हाथ में है ये दवा जिसका नाम है वीर स्तंभन वटी, जिसका अर्थ होता है कि वीर्य को रोकने वाली, यानी वीर्य को यदि रोकेगी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान तो वीर्य लेट निकलेगा, तो वीर्य को स्तंभित करने वाली, वीर्य को रोकने वाली ये वटी है जिसका नाम है वीर स्तंभन वटी। वीर आने होता है सीमन, है ना, तो यदि वो रुकेगा तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और वो रुकेगा तब जब आपके शरीर में खाना ढंग से पचेगा, रस शुद्ध बनेगा, और आगे की धातुएं खून हड्डी मज्जा और शुक्र ढंग से बनेगा, तो गाढ़ा वीर रहेगा तो रुकेगा, और खून की चाल सही ढंग से रहेगी तो ढीलेपन की समस्या खत्म होगी, और साथ में शरीर में सातों धातुएं पुष्ट होंगी तो ताकत और स्फूर्ति चुस्ती आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो ये रोग पूर्णता खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीर स्तंभन वटी मेरे हाथ में जो है वो व्यास कंपनी की है ना, डाबर, वैद्यनाथ, ऊंझा, झंडू, धूत, पापेश्वर या व्यास, इनमें से किसी भी कंपनी की आपको मिल जाए तो आप ये ले लीजिए। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं अमेजोन की, तो उस पर क्लिक करके अमेजोन से वीर स्तंभन वटी बुलवा लीजिए और उसका प्रयोग करिए। आपको इसका प्रयोग कैसे करना है उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें चंद्रोदय 13.88 mg एक टेबलेट में मिला है, और केशर क्रोकस सटाइवस केशर है ना वो मिला हुआ है 27.77 mg यानी 27.77 mg। लोभान मिला है स्टायरेक्स बेंजोइन, इसमें मिला है 27.77 mg। जावित्री इसमें मिली है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, इसमें मिली है 27.77 mg 27.77 mg। और अकरकरा जो कि बहुत ही अच्छी बाजीकरण औषधि है, जावित्री भी बहुत ही अच्छी बाजीकरण औषधि है, लोभान केशर ये शरीर में ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, टाइमिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ढीलापन खत्म करते हैं, नाइटफॉल को समाप्त करते हैं, धात को समाप्त करते हैं, आपके अंदर ताकत चुस्ती फूर्ति स्फूर्ति लाते हैं। अकरकरा भी मिला है 27.77 mg, और शहद थोड़ा सा मिलाया गया है, एक एक गोली शहद मतलब टैबलेट बनाने के लिए, तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको ले सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ या चिकित्सक के परामर्श अनुसार इसमें लिखा है, तो ये तो इनने खुद ही थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया कि भाई आप दूध के साथ ले लो या चिकित्सक जो परामर्श दे उसके अनुसार लो। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये जो व्यास की वीर स्तंभन वटी है वो किस तरीके की निकलती है। तो व्यास की जो वीर स्तंभन वटी है वो एक टैबलेट है मेरे पास, तो ये इस तरीके की है, इसमें सुगंध आती है केशर जावित्री वगैरह की, इस तरीके की छोटी सी गोली निकलती है, और एक 125 mg की लगभग टैबलेट होती है। तो दोस्तों आपको इसको किस प्रकार लेना है, यदि आप चाहते हो कि आपको पूर्ण लाभ मिले तो केवल वीर स्तंभन वटी भी आप यूज कर सकते हो। आपको सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद 1 कप दूध में 4 रवे केसर मिलाकर और 1 चम्मच शहद 1 चम्मच मिश्री मिलाकर इसका सेवन करना। यदि डायबिटिक पेशेंट हैं तो केवल दूध में केसर मिलाकर इसका सेवन करें, 2-2 गोली आपको लेनी है सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। और ज्यादा फायदा चाहते हैं, डबल फायदा चाहते हैं, ठीक है, और सोने पे सुहागा चाहते हैं, तो 5 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण, 5 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण यानी 1 बड़ी चम्मच अश्वगंधादि चूर्ण इसके साथ सेवन करें, और ऊपर से दूध में केसर शहद और मिश्री मिलाकर उस पी जाएं। ये खाने के 2 घंटे बाद आपको सेवन करना है, तथा यदि ढीलेपन की समस्या है तो श्री गोपालम तेल आप सुबह शाम रात 3 टाइम मालिश करिए। तो ये सुबह खाने के 2 घंटे बाद सेवन करना है, रात में खाने के 2 घंटे बाद सेवन करना है, और इसके साथ 5 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण सेवन करना है, साथ में श्री गोपाल तेल से सुबह शाम रात 3 टाइम आपको मालिश करनी है। दोस्तों इसके प्रयोग से आप में बहुत ज्यादा स्फूर्ति चुस्ती आ जाएगी, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, है ना, आपका टाइम बढ़ जाएगा, 10 से 15 मिनट तक टाइम आपका बढ़ जाएगा, पहले ही वहां से आराम मिलने लगेगा, ढीलेपन की समस्या खत्म होगी, ताकत स्फूर्ति आ जाएगी, नाइटफॉल वगैरह की समस्या खत्म होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए इस वीडियो की लिंक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग करके पूर्णता ठीक हो पाए, और
जहां ताकत की दवाइयों में लोग 6,000-7,000 रुपए खर्च करते हैं, ये 290 रुपए की 2 ग्राम मतलब कि लगभग 20 टेबलेट्स हैं, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा अपेक्षाकृत इसका प्रयोग करना। तो जरूर इसका प्रयोग करिए, उससे पहले ही वहां से आपको लाभ मिलने लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके अमेजॉन से बुलवा सकते हैं, और भी सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियोस पाने के लिए, और घंटी का निशान जरूर दबा देंगे तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस मिल पाएंगे। और कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए, जरूर मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। और मुझसे दवा बनवाने के लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर, इस पर अपनी सारी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कर दें, एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं या पर्चा लिखवा सकते हैं 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके। तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।